ओपीएस हमारे सरकारी कर्मचारियों का हक है और वो हम लेके रहेंगे। हार नहीं मानी महिलाएं तो वैसे भी हार नहीं मानती हैं। एनपीएस भले लेकिन एनपीएस हमें नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। कहते हैं ना जब भीड़ इकट्ठी होती है तो सरकार को भी घुटने टेक। ये राजनेता जनता के साथ धोखा करे। इसमें नर्सिस से लेके टीचर से लेके क्लरिकल पोस्ट लेके डीजीएचएस से लेके सभी लोग हैं। बुढ़ापे में हाथ पैर टिक जाते हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित है? तो हम अपना हक मांग रहे मोदी जी से और कुछ नहीं। आप लोग नेता की इतना काम करते नहीं और पेंशन मांग रहे? ऐसा नहीं है कि किसने कह दिया कि आपको कि हम काम नहीं करते हैं। एक जने के काम करने से सिस्टम नहीं चलता है। एमएलए अपने लेवल का काम करता है, हम अपने लेवल का काम करते हैं। अगर इतना अच्छा लगता है तो फिर सरकार इसको क्यों नहीं अपनाती खुद के लिए भी? अगर सरकार ये नहीं मानेगी तो दूसरी सरकार बदलेगी जनता। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं। भारी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आप वो पोस्टर देख सकते हैं, अखिल भारतीय पेंशन बहाली मोर्चे के आह्वान पर ये लोग जो है जंतर मंतर पे आज एक दिवसीय धरना देने के लिए आए हैं। इन लोगों की मांग है ओपीएस को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इसको बहाल करना है और ओपीएस लागू करना है। सरकारी कर्मचारी का हक है। जो संसद में बैठे मंत्री सारे ही जितने भी राजनीति के लोग हैं सबको पेंशन मिलती है। एक सरकारी कर्मचारी जो 33 साल 30 साल नौकरी करता है और लास्ट में वो अपनी पेंशन का हक नहीं रखता, ये कहाँ का न्याय? के साथ अभी एनपीएस बहाल है। एनपीएस बहाल है लेकिन एनपीएस हमें नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। एनपीएस में क्या होता है, जैसे कि किसी कोई आपके सैलरी से आधा पैसा कटता है और उसके बाद एक मैनेजर को जाता है और मैनेजर शेयर मार्केट में लगाता है और शेयर मार्केट अगर उछाल हुआ अच्छा चला तब आपको। मैडम उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। क्या सेफ्टी है जब एक गवर्नमेंट ही बाहर हमारी पेंशन दे के बाद में एनपीएस कर देती है तो एक ठेकेदार को हम क्या कह सकते हैं? वो कब बंद कर देगा, कब देगा? हमारे लोग कहाँ तक उनके चक्कर काटेंगे? वो तो अपने उसमें बिजनेस में लगा देंगे पैसा और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। कम से कम ये हमारे को जो बहाली वाले हमारा जो है कम से कम वो तो मैं मार्केट के सबसे बड़े जो दिग्गज बिजनेस मैन है अंबानी अडानी जी हैं और अच्छा कर रहे हैं। अडानी जी का आपको पता नहीं है? देखिए आपको गुजरात का पता नहीं अडानी जी का? आप वो वाली बात क्यों करें, आप हमारे ओपीएस की बात कीजिए। हम सिर्फ ओपीएस की बात करना चाहते हैं। ओपीएस हमारे सरकारी कर्मचारियों का हक है और वो हम लेके रहेंगे। कैसे आप लोग अपना हक लेंगी? हमने अपना एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बनाया है हमारा, जिसके अंतर्गत आज हम सारे खड़े हैं। इसमें नर्सिस से लेके टीचर से लेके क्लरिकल पोस्ट लेके डीजीएचएस से लेके सभी लोग हैं और ये सब जब एक जगह इकट्ठे होते हैं ना तो मैडम जब कहते हैं ना जब भीड़ इकट्ठी होती है तो सरकार को भी घुटने टेकने। महिलाएं हार नहीं मानी। महिलाएं तो वैसे भी हार नहीं मानती हैं। अब तो हमें पुरुषों का भी साथ है, यहाँ सभी बराबर हैं और सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपका जो एनपीएस है उसको खत्म करके ओपीएस लाया जाए? ओपीएस लाया जाए, हमारी एक ही डिमांड है, हमें ओपीएस वापस दिया जाए हमारा, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन बिल्कुल पेंशन ना मिलने की वजह से। प्रधानमंत्री अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, एक दो चीजों को आप लोग नजरअंदाज कीजिए। आप लोग देख रहे हैं कि विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, हम भारत महिलाएं सुरक्षित हैं, सारी चीजें हो रही, सारी चीजें सुरक्षित हैं, हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं। बुढ़ापे में हाथ पैर टिक जाते हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित है? लेकिन बुढ़ापा पेंशन ही तो सहारा है मैडम हमारा, हमारा एक पेंशन ही सहारा है। जो कम से कम गवर्नमेंट हम पे इतना तो कर्म कर दे कि 2024 में चुनाव होने वाला है। हाँ जी, तो अभी मोदी जी कह रहे हैं कि अभी वो बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं, तो आप लोग 2024 में एक बार और जिताइए, उसके बाद तो सारा काम होगा। हमने कब मना किया कि हम मोदी जी को नहीं जिताएंगे? हम जरूर जिताएंगे, लेकिन हमारी पेंशन तो करें, हम हमारा ओपीएस का करें। नर्सिस तो नर्सिस क्या, जितने भी वर्ग हेल्थ में आपको पता है कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये तो मोदी जी को भी पता है। जब राउंड लेती है मिनिस्ट्री सारा कुछ अपनी आंखों से देखती है ना, तो हम अपना हक मांग रहे हैं मोदी जी से और कुछ नहीं मांग। क्या लग रहा है, हक दे रही है ये सरकार? देंगे मोदी जी देंगे, हमें विश्वास है मोदी जी जरूर देंगे हमें। कितने दिन से धरने पर है लगातार आपके, मतलब मुझे जितना मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं अलग अलग सेक्टर के लोग आ रहे हैं बार बार डिमांड करने के लिए, कभी बैंक के एम्प्लॉय, कभी जो ड्राइवर्स हैं रेलवे में वो लोग आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है अभी तक तो सुनी नहीं है सरकार? एक्चुअल में अभी तक सब अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रहे थे मैडम, और जब प्लेटफॉर्म एक हो जाता है ना, जब 100 लोग एक साथ खड़े होते हैं तो उसका इम्प्रेशन अलग। सामने में देखिए नरेगा संघर्ष मोर्चा, ये लगभग 50 दिन हो गया है अभी तक मोदी जी ने सुना
मोदी जी सुनेंगे हमें, ऐसा पूरा विश्वास है। और मोदी जी हमें रोज ही सुन रहे होंगे, ऐसे कैसे नहीं सुन रहे होंगे। और आपने बोला पेंशन आप कॉम्प्रोमाइज करो, जब मिनिस्टर एमएलए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एक नर्स है, एक सरकारी कर्मचारी क्यों करे? सरकार ज्यादा काम करती है और हम नहीं करते। हम तो नाइट भी करते, इवनिंग भी करते, मॉर्निंग भी करते। कोविड में हमने इतना, प्रधानमंत्री मात्र 3 घंटे सोते हैं, आप लोग को किस, यहाँ पे भी हम 12 घंटे जागते हैं, 12 घंटे। आप देखिए, आप इनको इशारा कर रही हैं क्यों? देखिए हमारा मेन मुद्दा, आप हमें मुद्दे से नहीं भटका सकती। हमारा मुद्दा है, हम ओपीएस के लिए आए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं और हमें ओपीएस चाहिए और मोदी जी हमारी बात सुनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल, महिलाएं सुरक्षित है। ये टॉपिक हमारे ओपीएस से अलग है। अगर आप ये कहोगे कि मोदी जी ने काम नहीं किया, आपने ये नहीं सुना, मोदी जी ने काम किया, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेन मुद्दे पर हैं, ओपीएस पर ही बात करें। आप लोग लगातार कई दिनों से धरने पर हैं, लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग आ रहे हैं, फिर भी अभी तक सुन नहीं रहे और संसद भवन पास में है। देखो हमारा, हम अपने लिए लड़ेंगे, हर बच्चे का भी फर्ज बनता है कि वो अपने जो जरूरत है उसके लिए आवाज़ उठाए, और हम आवाज़ उठा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी जरूरत। एनपीएस से क्या दिक्कत है? अब अडानी जी अच्छा कर रहे हैं, उनका मार्केट अच्छा जा रहा है। देखो वो एक बिजनेस मैन है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम एनपीएस से इसलिए नहीं, आपके बिजनेस से रिलेटेड ही है ना? नहीं नहीं, एनपीएस आपका शेयर मार्केट, नहीं नहीं, एनपीएस आपका जो पेंशन है वो बुढ़ापे का सहारा होता है, और एनपीएस में जो पैसा लगता है वो मार्केट बेस्ड होता है, और जब आप रिटायर होते हैं तो उस टाइम मार्केट की क्या वैल्यू रहती है उसके हिसाब से आपकी पेंशन बनती है। जैसे सुनिए, सवाल लीजिए, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, सबके लिए हैं, वो एक गार्जियन के तरह हैं और वो सबके बारे में सोचते हैं कि हमारा जो जनता है किसी से प्रभावित हो सकता है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं क्यों? कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार हमारे लिए नहीं सोचे, सरकार सोच रही है, तभी तो कमिटी बनाई है ना। और हम कमिटी तक ही सीमित नहीं है, हम चाहते हैं कि जो 2003 में जो पेंशन का सिस्टम था वही रिस्टोर हो, ताकि एक 30 से 35 साल की नौकरी करने के बाद में जब कोई बुजुर्ग रिटायर होता है, हम उसको बुजुर्ग नहीं कहते क्योंकि उसको लाइफ का दूसरा पारी शुरू होता है, और उस टाइम वह जब उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि उसको अपनी डेली की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपने बच्चों से या अपने रिश्तेदारों के आगे अगर हाथ फैलाना हो तो आप लोग नेता की इतना काम करते नहीं और पेंशन मांग रहे? ऐसा नहीं है कि किसने कह दिया कि आपको कि हम काम नहीं करते हैं। अभी जो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सब ऑफ ड्यूटी वाले हैं, हम अपना काम करके, आप ये नहीं कह सकते कि कर्मचारी काम नहीं करते। अगर काम नहीं करते नेता, तो कितना काम, नेता कितना काम करते हैं क्या? तो नेता काम करते हैं तो वो पेंशन ले रहे हैं, आप भी उतना काम कीजिए। हम उन नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, हम कर्मचारियों के हितों के लिए काम करते हैं। हम अपना, कुछ मैडम ने कहा कि नेताओं को मिल रहा है, MP MLAs को मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं? नहीं तो अगर उनको मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? और अगर इतना काम भी करके बताइए, कैसे कह सकते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं? क्या आप अगर काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, काम कर रहे? जब एक दिन स्ट्राइक पे होते हैं, अगर किसी, ये तो एक सिस्टम है, एक जने के काम करने से सिस्टम नहीं चलता है। MLA अपने लेवल का काम करता है, हम अपने लेवल का काम करते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? आप उनके बराबरी का कैसे करते और हम लोग काम नहीं करते? आप तो यही, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आप अपने बराबर की पेंशन की जो मांग, सरकार में सबका अलग एक लेवल है, अलग पेंशन है, अलग एक काम करने का एक तरीका है ना। तो एक सिक्योरिटी जो होती है फ्यूचर के लिए, ओल्ड एज के लिए, वो तो कम से कम सेम हो, बुढ़ापा तो सबको ही आएगा, एक एज के बाद नेता भी रिटायर लग रहा है मिल जाएगा पेंशन जो आप मिलेगी। चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या दिक्कत है, NPS है तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? अडानी जी का जब शेयर मार्केट अच्छा जाएगा तो आप लोगों को पेंशन मिलेगा। अब सब कुछ तो प्राइवेट हो रहा है, सारी चीज तो प्राइवेटकरण पे आधारित है। ऐसा है जी, वो कोई बात नहीं, लेकिन NPS की जो स्कीम है ये शेयर बाजार के हवाले है, इसमें बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल है, कोई भी पेंशन इसके अंदर कोई राशि निश्चित नहीं है। इसमें जो भी साथी कुछ रिटायर हुए हैं NPS वाले, तो ऐसा देखा गया है इसका जो एक्सपीरियंस है बहुत बुरा है। इसके अंदर कुछ स्टेट के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन है वो भी NPS से ज़्यादा है, NPS उससे भी कम है, तो इससे बहुत ही भविष्य खराब है कर्मचारियों का। ओपीएस होनी चाहिए, जनता के लिए कर रही है काम, सबका साथ सबका विकास कर रही है, और आप लोग का विकास हो रहा है तो आप लोग को
इसके अंदर राजनेता जो सबका विकास नहीं हो रहा, विकास सिर्फ वो अपना ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन कर्मचारी का हक है, वो 30-35 साल कार्य करता है, लेकिन ये जो राजनेता हैं ये 5 साल में अपनी पेंशन बना लेते हैं, वो क्यों, और 5 बार इलेक्शन जीत गए तो 5 बार पेंशन, जो कि बिल्कुल गलत है और जनता के साथ धोखा है। सबका साथ सबका, कौन धोखा कर रहा है? ये राजनेता जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये ओपीएस की बहाली, प्रधानमंत्री तो जान रहे हैं सारी चीजें। हाँ, प्रधानमंत्री जान रहे, लेकिन उनको वो भी खत्म करनी चाहिए, राजनेताओं की जो पेंशन है वो भी खत्म करनी चाहिए, फिर वो एक पेंशन हो एक बार में। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो किसका विकास हो रहा है इसमें? राजनेताओं का विकास हो रहा है ये तो। हाँ, किसका विकास हो रहा है? देखिए, आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ, जैसे आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, अगर मंत्रियों को और हमारे अधिकारी जो है उनको ही अच्छी लगती है इतनी, तो वो क्यों नहीं अपनाते इसको एनपीएस। रही बात मार्केट की, अडानी ग्रुप की, मार्केट का कोई भविष्य स्कोर नहीं है, आप तो सिक्योरिटी नहीं कह सकते, वो फ्लक्चुएट करता है। आज हमारे बहुत से साथी हैं जो 30-35 की सेवा दे करके समाज को, और उनमें मात्र 1,000-1,500 पेंशन लेती है, उनके बुढ़ापे का कौन सिक्योरिटी करेगा उनका? नहीं, अभी अचानक से अडानी जी पे जो मतलब महामारी आया है, इसके वजह से आप लोग धरने पे आ गए, उससे पहले तो ठीक था? नहीं नहीं, ये हमारा बहुत पहले से चला हुआ है, बहुत पहले से चला हुआ है, सरकारों पर दबाव बनाया है, और मैंने देखा भी होगा कि हमारे साथी राज्य जो है, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हम पंजाब की बात करें, 5 राज्यों में लागू हो चुका है, और ये पहले भी चला आ रहा था। अगर इतना अच्छा लगता है तो फिर सरकार इसको क्यों नहीं अपनाती खुद के लिए भी? ये सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ नीतियां ऐसी हैं जो कर्मचारियों के खिलाफ है, उसी के समर्थन में आए हैं। ओपीएस बिल्कुल, ओपीएस लागू, किसका विकास हो रहा है? नहीं, किसका विकास, हमें इससे मतलब नहीं है विकास। मुझे जितना मालूम है, अभी हम लोग भारत में, राजनेता का विकास है इसमें, 5 बार एमएलए तो 5 बार पेंशन, वो तो उनका विकास होगा। भारत अपना अमृत पेंशन लेगी, हमारे को एक पेंशन, भारत अपना अमृत महोत्सव मना रहा है, ये अमृत काल है, अमृत काल में आप लोग धरना दे रहे हैं। अमृत काल हम भी मना रहे हैं, हम भी देश के साथ हैं, हम कौन सा मना कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के साथ हैं हम भी, और देश के साथ हैं, अमृतकाल के साथ हैं, लेकिन कुछ नीतियां जो हमारे खिलाफ जाएंगे, देखिए उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। जवान धरने पर हैं, किसान धरने पे, महिलाएं धरने पर, किस क्यों आप लोग अमृतकाल में ये दशा है? ये गणतंत्र है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत के अंदर है, सबको अपना आवाज रखने का, बोलने का अधिकार है, अगर किसी के प्रति गलत होता है तो ये उसको बोलने का अधिकार है, उसी के संदर्भ में आज अभी इकट्ठा हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद ये आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचेगी, जल्द पहुंचेगी। लग रहा है कि सरकार मान जाएगी? जी हाँ, हमारा प्रयास 24 में जिताइए तो फिर मान जाएगी, उम्मीद है सरकार इससे पहले मान जाए, नहीं तो हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारे सिस्टम से लड़ाई है, हम भी सिस्टम का एक हिस्सा है, और जो फायदा उनको मिलता है वही फायदे का कुछ लाभांश हम चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास और भी बहुत सारे काम है, और चुनाव जो है बहुत नजदीक है, तो 2024 में एक बार और जिताइए, प्रधानमंत्री तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, राम मंदिर दे दिया, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, और क्या चाहिए? प्रधानमंत्री जी का हृदय बहुत बड़ा है, वो इसके बारे में सोचेंगे जरूर, इतना ही कहूंगा इसके बारे में। क्या हिंदू राष्ट्र राम मंदिर से खुश नहीं है? ऐसा है जी, ये कोई हिंदू राष्ट्र या राम मंदिर ये मुद्दा नहीं है, वो अलग मुद्दे हैं, वो जो हमारा देश है, ये सब भी तो चाहिए आप लोगों को, सांस्कृतिक विरासत है, वो एक अलग बात है, वो सबको चाहिए, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, और ये मुद्दा अब हमारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो आप कह रहे हो अमृत काल है या सरकार का सबका विकास है, ये हमारा जब से पुरानी पेंशन खत्म की है, कब से की है? कब से की? ये 2004 से की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1-1-2004 से, 2004 से ही लगातार धरना कर, 2004 से हमारी लड़ाई ये जारी है, और ये लड़ाई संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक हम इसके अंदर सफलता हासिल नहीं करेंगे। 2004 से जारी, और आप अचानक से, जो आपको लग रहा है कि इतने साल बीत चुके हैं तो अभी अचानक से आप लोग भारी तादाद, अचानक से नहीं आए, विभिन्न स्टेट के अंदर ये अचानक से नहीं, आपका खत्म हो जाएगा आपको लग रहा है इतने सालों से एनपीएस? नहीं, एनपीएस बिल्कुल सरकार को करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या करेंगे, वोट की जो संघर्ष और तेज किया जाएगा, क्या कर लेंगे सरकार का? लोकतंत्र का यही है, उसके अंदर हम अपना प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, और बड़े सरकार का क्या कर लेंगे आप? सरकार के ऊपर हम दबाव बनाएंगे, सरकार हम ही है, सरकार प्रजा है सरकार बनाने वाली। अमित शाह तो कहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी, अरे
पहले सुनिए। ये लोकतंत्र है तो एक आम आदमी क्या कर सकता है, ये तो आपको पता है, जानते हैं। वोट की कुछ नहीं कर सकते, कैसे कुछ नहीं कर सकते? हमारे पास वोट का अधिकार है, अगर सरकार ये नहीं मानेगी तो दूसरी सरकार बदलेगी। जनता जनता कौन आएगी दूसरी सरकार? राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, कोई तो है नहीं विपक्ष में। वो अपने आप हालात अपने आप डिसाइड कर लेते हैं। कौन आएगा दूसरी सरकार? नहीं, दूसरी सरकार में देखो कोई तो आएगा, ये ऐसी बात नहीं है। और प्रशासन IAS चलाते हैं, उनको तो सरकार तो देखो वही है कि जो कर्मचारी है वो एक पहिया है, कर्मचारी एक पहिया है, आप कहते हैं कि ये इंजन है। क्या लग रहा है, मान लेंगे 2024 से पहले? जरूर मान लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, ये लोग लगातार 2004 से अपनी जो NPS को हटाने की मांग लगातार ये लोग रख रहे हैं। और आप देख, एक बार और कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे भारी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि NPS को बंद किया जाए और OPS को लागू किया जाए। आप लोगों की इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।